15 लाख रुपए सबके खाते में जाएंगे, वहां झूठ पकड़ा गया, किसी के खाते में आए नहीं। उसके बाद में बिजली फ्री करने का इन्होंने वादा किया था, आज तक बिजली फ्री नहीं हुई और किसानों के ट्यूबवेल पे मीटर और टांग दिए। तो ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से कहाँ से मतलब पता चलता है आपको? व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पता चलता है। जितना सड़क निर्माण चल रहा है उससे कहीं ज्यादा यहाँ टैक्स लिया जा रहा। जब योगी जी मुख्यमंत्री थे कई नाबालिग लड़कियों के हाथरस जैसे कांड हो गए, उसमें कहाँ गए वे दोषी? रातों रात चिता जला देते हैं ये लोग, जबकि हिंदू धर्म में यदि हिंदू में आस्था रखने वाले लोग हैं ये और हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं तो रात को चिता कौन लोग जलाते हैं ये बताइए? ये इन्होंने सबूत मिटाने के लिए चिताएं जलाते हैं रात में। इस वक्त मैं पहुंचा हूं नया गांव में और ये मुजफ्फरनगर में पड़ता है विधानसभा खतौली। तो मैं यहां पर पहुंचा हूं कि जैसे कि आप जानते हैं 2024 के चुनाव रहे हैं, तो यहां पर पहुंचा हूं कि जनता का मूड इस बार क्या है, क्या उनके मुद्दे रहेंगे और कितना वो मोदी जी के कार्यकाल से संतुष्ट है। क्या नाम है आपका? खड़े हो जाओ। क्या करते हो आप? मैं एडवोकेट हूँ सर। अच्छा, तो क्या लग रहा है इस बार आपके गांव में 24 के चुनाव में? देखो, जो चुनाव का यहाँ पर माहौल है वो तो ज़्यादातर भाजपा की तरफ ही रहता है, क्योंकि यहाँ पर भाजपा के कार्यकर्ता ही ज़्यादा हैं। अच्छा, आप भी जुड़े हो भाजपा से? वैसे मैं भाजपा से तो नहीं जुड़ा हुआ हूँ। अच्छा। लेकिन कुछ कामकाज भाजपा के ठीक है। जैसे अभी कामकाज आप बात कर रहे हैं तो लोग कह रहे हैं महंगाई होगी, बेरोजगारी होगी। देखो, थोड़ा महंगाई तो है, बेरोजगारी भी है खैर, लेकिन यह है कि सरकार के कुछ कामकाज ठीक भी है। अच्छा, क्या क्या ठीक लगा? जैसे कि आज के टाइम में जो है महिलाओं की सुरक्षा है। अच्छा, और आज के समय में ये आदमी किसी भी समय बाहर भीतर जा सकता है। अच्छा, क्या लग रहा है, बिल्कुल सुरक्षा है? बिल्कुल जी, बहुत अच्छे समर्थन में जी, बिल्कुल भाजपा। और क्या क्या लाभ मिला आपको? बस लाभ तो सभी के सब कुछ है भाई। बेरोजगारी बेरोजगारी कुछ नहीं है, पढ़ लिखा सब भर्ती हो रहा, जो पढ़ लिख रहे भर्ती हो रहे। क्या करते हो? मैं तो भाई मेडिकल, अपना मेडिकल जी। काम कैसा चल रहा है? अच्छा चल रहा है। तो मेडिकल के क्षेत्र में आपका तो बढ़िया चल रहा होगा बिजनेस जी, जी। वो लोगों से भी बात करते हैं कि क्या कुछ इनका कहना है, तो क्या लग रहा है गांव में माहौल इस बार? भाई माहौल तो ये है जी, अब जनता है वो। अच्छा। हल्की सी चूरन बीजेपी सरकार ने दे रखी लोगों को, 2000 रुपए वाली किस्त बांध दी है। महिलाओं को फ्री सिलेंडर कहा था, उसमें अब रुपए धीरे धीरे सब्सिडी के अनुसार वो पैसे काट लिए गए हैं। 200 रुपए तो कम कर दिए, कर दिए वो, हमें पता कैसे कर दिए। चुनाव है 2024 का, तो मोदी जी को आना है तो कर दिया ये काम। दूसरी बात ये है, अब ये रोजगार ये कह रहे हैं लोग कि मतलब अभी वो कर्वे चल रहे हैं, सड़क निर्माण चल रहा है, ये चल रहा, जितना सड़क निर्माण चल रहा है उससे कहीं ज्यादा यहाँ टैक्स लिया जा रहा, अगर उसको हम काउंट करें तो उसके अकॉर्डिंग काम नहीं है। दूसरा ये था मामला कि मतलब वो काला धन आ रहा है, आज तक काले धन का कोई वो नहीं मिला, कुछ भी खत्ते खुलवा दे जनधन के, उसमें कोई आज तक कोई किसी को रेस्पॉन्स नहीं मिल पाया उस तरह से। रही युवाओं की बात, जैसे हमारे देश की जनसंख्या जितनी पॉपुलेशन है उसके अकॉर्डिंग कोई रोजगार नहीं है, अगर परसेंटेज से देखा जाए तो कहीं तक युवाओं को रोजगार नहीं मिला। सही बात है गलत सर? तो क्या लग रहा है आपको मोदी जी को कौन टक्कर दे सकता है? टक्कर ही है जी, उसमें जो संसद में जो दूसरी पार्टी है कांग्रेस, उसमें कोई धक्कड़ नेता सा नहीं है, ठीक है जी। अगर उसमें इनके अकॉर्डिंग कोई मजबूत सा होता तो इन्हें टक्कर 100% मिलती। एक तरफ है बहुमत की सरकार है, जो बिल चाहे वो पारित कर लें दोनों सदन में, क्योंकि इनकी फुल वो है सपोर्ट, और है एक दो हैं, ये पूरे अपना बहुमत से हैं, तो जो चाहे वो कर लें, सरकार इनकी है चाहे जैसे कर लें। तो इस बार युवा किसकी तरफ जा रहा है? भाई युवा जी जो पढ़ा लिखा समझदार है, दो चार अक्षर सही तरफ पढ़ रखे वो तो वहीं जाएगा जी। किसकी तरफ? अखिलेश की तरफ चला जाए या बहन जी की तरफ चला जाए, और कोई यही नहीं ऐसा कोई यूपी में। तो बदलाव चाह रहे हैं आप कुल मिला के? हाँ जी, पूरी तरह से बदलाव चाह रहे हैं। सरकार रही तो भुखमरी आ जाएगी, 111 रुपए पे आप गए, एंड में 200-300 नंबर पहुंच जाएगी भुखमरी। जबकि भारत एक कृषि प्रधान देश है, जब ये कंडीशन है तो हमारे पीएम साहब के लिए इससे कोई बस दयनीय स्थिति नहीं हो सकती, ना कोई श्रम की बात हो सकती हमारे पीएम साहब के लिए। जो कह रहे हैं कि भाई मोदी जी के अलावा कोई विकल्प नहीं है, और मोदी जी है तो मुमकिन है। पहले भुखमरी इतने लेवल पे नहीं थी, आज जीडीपी देख लो, सब चीज देख लो, जिन्हें जो युवा पढ़ा लिखा है सब चीज चेक कर लो, तो आज भुखमरी पे है देश, उस टाइम नहीं था जब कांग्रेस की सरकार भी थी। सरकार कह रही है विश्व के 5वें वर्चस्व बन गया है भारत, मीडिया वाले बोल रहे हैं। भाई मीडिया इनके है जी, मीडिया वालों के ये वो रवीश जी थे उनके 69,000 करोड़ रुपए माफ करे इन्होंने, तो भाई इनकी तो सब कुछ चलेगा जब मीडिया वालों के ये वो कर देंगे फ्री सब कुछ, उनके A to Z जितने भी इन पर लोन था सब कुछ था वो सब कुछ फ्री कर देंगे, तो कुछ भी बुलवा लो मीडिया उनकी। तो भाई बदलाव चाह रहे हैं, मोदी जी के फेवर में नहीं है। देखने का जो माहौल लग रहा है आप देख रहे होंगे, कोई भी मुद्दों पे बात नहीं करता,
केवल ये जो सरकारें चल रही है हिंदुत्व और मुस्लिम पे चल रही है, हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम। बीजेपी का केवल यही खेला है, चुनाव आने से पहले हिंदू मुस्लिम करा दो, हिंदुओं की वोट अपने कब्जे में ले लो। उस समय हमारे भोले भाले हिंदू भाई जो भी है वो उस भावनाओं में बह जाते हैं कि हाँ भाई हिंदू मुस्लिम विकास के कार्य, वो भूल जाते हैं। जबकि प्राथमिकता ये होनी चाहिए इस देश के अंदर हर वोटर की, सबसे पहले तो हर पार्टी का घोषणा पत्र जारी होना चाहिए। जैसे बीजेपी का ही हुआ था कि 15 लाख रुपए सबके खाते में जाएंगे, वहाँ झूठ पकड़ा गया, किसी के खाते में आए नहीं। उसके बाद में बिजली फ्री करने का इन्होंने वादा किया था, आज तक बिजली फ्री नहीं हुई और किसानों के ट्यूबवेल पे मीटर और टांग दिए। अभी नरेश टिकैत ने डीएम को घेर लिया और राकेश टिकैत ने कल जो है किसान यूनियन की जो है स्पीकर कार्यालय से घेरा था। तो आप किसान है क्या? हाँ मैं किसानी भी करता हूँ, मैं लॉयर भी हूँ और उसके साथ साथ मैं समाज सेवा का कार्य भी करता हूँ। तो आप देख रहे होंगे किसानों की बिजलियों पे ट्यूबवेलों पे मीटर टांग दिए, जबकि ये था कि बिल फिक्स आता था महीने से और इन्होंने तो वादा किया था कि किसानों की बिजली कट। अभी हमारे भाई बहुत सारे बोल रहे थे वे भी किसानी भी करते हैं, उनका खेती भी है ट्यूबवेल भी है, उन्हें पता होगा कितना कितना बिल दे रहे। अभी घरों के अभी लोड पड़ा थोड़ा सा लाइट का, गर्मी जो पिछली गई है उसमें 2-2 हज़ार रुपये 1-1.5 हज़ार रुपये फालतू बिल आए, तो कहाँ से विकास हो रहा। देखो मुद्दे हमारे पास होने चाहिए शिक्षा चिकित्सा स्वास्थ्य, इन पर कोई बात करने के लिए तैयार नहीं। यहाँ की शिक्षा का स्तर आप उठा लीजिए, शिक्षा इतनी महंगी कर दी, गरीब का बच्चा नहीं पढ़ेगा। फ्री राशन तो मिल रहा है? फ्री राशन में क्या हो रहा है, फ्री राशन वाले जो जितने भी फ्री राशन वाले हैं उनके सबके खेती है, अगर इनकी सही तरीके से जांच भी करा ली जाए ना। जो अभी कह रहे हैं हाँ हमें मोदी और योगी वो दे रहे हैं राशन फ्री, तो अद्दों के कार्ड बंद हो जाएंगे। जो उनने जियो तैयार करके भेज रखा है कि भाई इन लोगों को, ये लोग पात्र की श्रेणी में आते और ये अपात्र की श्रेणी में आते, जो पात्र की श्रेणी में आते उन तक तो राशन पहुंच ही नहीं रहा, वो तो अपात्र लोग ही खा रहे हैं, सारे बीजेपी के लोग हैं जो अपात्र लोग हैं और उन्हें राशन मिल रहा है। उनके घरों में कई कई 100 कुंटल गेहूं इकट्ठा हो जाए महीने का, उसका साल का सॉरी, तो उन्हें तो राशन की जरूरत नहीं है। तो गरीबों का राशन भी वही लोग खा रहे जिन्होंने कब्जा कर रखा है। बाकी इस देश की सरकार तानाशाह सरकार है, जिसे चाहती जेल में डाल देती है, हिंदू मुस्लिम पर चुनाव कराती है, अपने मुद्दों से भाग जाती है। जब शिक्षा की बात आती है, चिकित्सा की बात आती है, तब अपने मुद्दों से भाग जाती है। 2024 में क्या माहौल लग रहा है आपको कि क्या बदलाव देखने को मिल सकता है? देखिए बदलाव पूरा का पूरा है, अभी आपने देखा होगा बहुत सारे आंदोलन हुए, जब दिल्ली में किसान लोग बैठे थे वहां भी उन पर लठ बजा दिए, ठीक है। तो आए दिन रेप हो रहे हैं, कौन कहता कि मोदी जी का बुलडोजर योगी जी का बुलडोजर चल जाएगा। अभी हम पिछली जब योगी जी मुख्यमंत्री थे कई नाबालिग लड़कियों के हाथरस जैसे कांड हो गए, उसमें कहाँ गए वे दोषी, रातों रात चिता जला देते हैं ये लोग। जबकि हिंदू धर्म में यदि हिंदू में आस्था रखने वाले लोग हैं ये और हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं, तो रात को चिता कौन लोग जलाते हैं ये बताइए। ये इन्होंने सबूत मिटाने के लिए चिताएं जलाते हैं रात में, जो रेपिस्ट इन पे पकड़े नहीं जा रहे और दोषी भी उन्हें बना देते हैं। अब तो बुलडोजर चल रहा है ना, जो मतलब कानून व्यवस्था के खिलाफ जा रहा है। देखिए कहीं बुलडोजर नहीं चल रहा, और कानून व्यवस्था की अगर सही से जांच इनसे करा ली जाए, जिन लोगों के बुलडोजर चलने चाहिए, तो बहुत बिल्डिंगें टूट जाएंगी और इनके लोगों की टूटेंगी जिन पे कब्जा करे बैठे हैं। तो जांच ही सही से नहीं हो रही। आजम खान को 7 साल की सजा हो गई, देखिए उसे हुई है, लेकिन मैं उसकी सजा भी ये नहीं मानता, वो केवल इस पे हुई है आधारित कि उसके बेटे ने 2 जाति प्रमाण पत्र जारी कराए, ठीक है। उसमें 420, 467, 468 और 471 120 बी का मुकदमे में उसे 7 साल की सजा सुना दी गई, तो उसके पिताजी का क्या लेना देना। जाति प्रमाण पत्र तो मैं बनवा रहा अपना, मैं कहीं से तस्दीक कराऊंगा, अपने गांव के प्रधान से उस पर मुहर लगवाऊंगा, तो उसमें तो बहुत सारे लोग जेल जाने चाहिए थे, उसमें लेखपाल जाना चाहिए जेल, जो उसका क्षेत्रीय लेखपाल। तो अदालत ने सुनाई है ना सजा? देखिए अदालत ने सुनाई, हम अदालत का सम्मान करते हैं, लेकिन ये थोपे गए फैसले हैं उस पर। अगर उसको सजा सुनानी थी
तो केवल उसके बेटे को सजा सुनानी थी। आजम खां को और उसकी पत्नी का इसमें कोई लेना देना नहीं था। अब ये बताइए, जाति प्रमाण पत्र मैं अपना जारी करा रहा हूँ तो उसमें मेरे माँ बाप कहाँ से दोषी हो गए? उसमें संदिग्ध और संलिप्त जो पाए जाएंगे वो अधिकारी पाए जाएंगे, जिस तहसील या जोन से भी मुख्यालय से वो प्रमाण पत्र जारी हुआ है उसमें वो लोग दोषी हैं। 24 में क्या लगता है आपको, क्या बदलाव होने वाला है, आप किसके समर्थन में हैं? देखिए, बदलाव निश्चित है, अभी समर्थन हमारा किसी को नहीं है। बाकी हम कहने के लिए बहुजन समाज पार्टी के वोटर हैं, सपोर्टर हैं। बहुजन समाज पार्टी को आप सपोर्ट करते हैं? सपोर्ट करते हैं, लेकिन हमारा ये है कि जो भी ताकत इस सरकार को गिराने में लगेगी हम उसके साथ खड़े होंगे। तो लेकिन ऐसा लोग कह रहे हैं कि बसपा कहीं भी नजर नहीं आ रही है। बसपा नजर नहीं आ रही है, देखिए तो भविष्य के, अभी भविष्य है, गर्भ में है, तो इसका तो कोई कह नहीं सकता। अभी जो बहन जी निर्णय लेंगी वो किसके साथ जा रही है, गठबंधन करेंगी नहीं करेंगी, होगा नहीं होगा, अगर नहीं भी हुआ अकेली भी लड़ती है तो अगर हमें यहाँ भी जाना पड़ा कि इंडिया के साथ जाना पड़ा तो हम इंडिया गठबंधन के साथ भी वोट करने के लिए तैयार रहेंगे। मुद्दा आपका क्या होगा? हमारा मुद्दा देखिए ये है, ना तो यहाँ शिक्षा है, अभी तक जो शिक्षा है शिक्षा इतनी महंगी कर दी गई है। मैं शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करता हूँ, SC कम्युनिटी से, तो SC के बच्चों को क्या होता था, स्कॉलरशिप बेस पे भी एडमिशन मिल जाते थे, आज तक स्कॉलरशिप नहीं मिल पा रही बच्चों को, तो वो पढ़ेगा कहाँ से, ये बताइए पढ़ेगा कहाँ से? उसकी शिक्षा ही रोक दी, जब उसके पढ़ने के हथियार ही समाप्त कर दिए गए, उसके अधिकार ही छीन लिए गए, तो वो बच्चा पढ़ेगा कहाँ से? और कहाँ से वो जब शिक्षा प्राप्त नहीं करेगा रोजगार कहाँ से लेगा? रोजगार इन पे दिए नहीं जा रहे। अभी एक भाई मेरे बात कर रहे थे यूपी पुलिस की भर्ती, कितने साल में यूपी पुलिस की भर्ती निकालने हैं, अभी तो विज्ञापन कई महीनों से ये हो रहा है, आ जा रहा है नोटिफिकेशन, आ जा रहा है नोटिफिकेशन, अभी तक आया तो नहीं है, ना भर्ती हुई है इनसे। जोन सी भर्ती होती है वो अधर में लटक जाती। 2018 में वीडियो का विज्ञापन निकला था एक ग्राम विकास अधिकारी का, उसमें नकल करते हुए पकड़े गए, मतलब वो घोटाला पकड़ा गया, इन्होंने कैंसिल कर दिया। फिर उसका पेपर अभी 2023 में हुआ, जून में था, तो जून में फिर वही चला, उसमें बहुत सारे लोग 400-500 लोग फिर पकड़े गए, और अभी तक उस भर्ती का नहीं पता। मतलब जोन से भी भर्ती इन पे आ रही है, वैसे तो ये अपने बाबा बुलडोजर चला रहे हैं, तो नकल माफियाओं पे बुलडोजर क्यों नहीं चल रहे इनके, उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही, जबकि रोजगार की जरूरत है। जो बच्चा 3 साल से 18 से, और आज लगा लीजिए 18, 2, 20 और 3, 23, 5 साल, 5-6 साल का इंतजार कर रहा है और वो भर्ती भी नहीं हो पा रहा है, कि भर्ती पर अड़ी गया, उसकी उम्र भी निकल गई, वो कहाँ जाए? तो आपने कहा आप बसपा के वोटर हैं, बसपा के साथ आप जाएंगे, तो लेकिन जो विपक्ष है वो तो बसपा को भाजपा की भी टीम बोल रहा है। देखिए ये तो सब फैलाने का प्रोपेगेंडा है इनके, इन्हें वोट कैसे मिलेगी अगर ये नहीं फैलाएंगे कि बी टीम है, जबकि बहन जी ने कभी किसी से गठबंधन नहीं किया, अगर किसी ने करा तो बहन जी से किया है, बहन जी ने कभी, बहन जी किसी से गठबंधन नहीं करती, जिसे जरूरत है बहन जी से गठबंधन करेंगे, बहन जी को कोई जरूरत नहीं है। क्या लग रहा है 24 में क्या खेल होने वाला है? सपोर्टर एकदम अड़िग खड़ा है, खेला यही होना है, यहाँ से मोदी जी जाएंगे, जो अपना थैला की बात करते थे कि मैं तो थैला उठाऊंगा और निकल लूंगा, तो अब की बार तो उन्हें थैला उठा के जाना ही पड़ेगा। तो आप परिवर्तन चाहते हैं? देखिए इस देश के अंदर परिवर्तन होना चाहिए, हम तो ये कहते कि पिछली बार 2 साल 2 योजनाएं मोदी जी ने कर ली, तो एक योजना दूसरे को दे दो, उसका भी विकास देख लो। हम विकास चाहते हैं इस देश के अंदर, शांति चाहते हैं और भाईचारा चाहते हैं। जब तक भाईचारा, शांति, विकास, शिक्षा, चिकित्सा, ये रोजगार, ये सबको सुविधाएं नहीं मिलेंगी तो देश ऐसे ही चला जाएगा। अब आप देख लीजिए आपके रुपये की क्या हालत हो रही है, डॉलर की तो बात अलग है, आपका रुपया भी गिर रहा, कभी ये GDP गिर देते, बहुत बहुत बड़े आंदोलन हो गए। तो मैं तो अपने सभी भाइयों से यही कहता कि अंधभक्ति में मत डूबो, शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार, स्वास्थ्य, इन पे जाकर के नज़र डालिए। यदि आप किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में, सरकारी अस्पतालों में सुविधा नहीं है और प्राइवेट हॉस्पिटलों में आप जाएँ तो उसकी फीस भी नहीं दे पाते MBBS डॉक्टर की, 1000 रुपये है, तो गरीब अभी डेंगू चल रहा है। आयुष्मान कार्ड बन गया है 5 लाख तक के। देखिए इसने जब से भी ये लोग आए हैं इन्होंने लाइनों में लगाने का खेला कर रखा है, वो खेला कह रहे हैं ना आप, तो लाइनों में लगाने का इनका खेला है। अभी इन्होंने क्या करा, नोटबंदी करी, सब लाइनों में लगा दिए, कोरोना आया तो
खड़े हो जाओ भाई, दूर दूर वैक्सीनेशन कराया उनका। जब कोरोना आया थाली ताली पिटवा दी, उससे इन्होंने कोरोना भगवा दिया। तो ये तो देखो अंधविश्वास वाले लोगों की पार्टी है, ये अंधविश्वास पाखंड फैलाते हैं, उसकी आड़ में जातिवाद फैलाते हैं और मजा मार लेते हैं। तो क्या लग रहा जी? बस सब अच्छा है, ठीक चल रहा है मोदी की सरकार में। अच्छा, सब कुछ सही है भाई, लेडीजों के लिए सब कुछ जो है सुरक्षा है, सड़कों का इतना निर्माण हो गया, हर जगह जो है बढ़िया हाईवे निकल रहे हैं, सड़क ज्यादा से ज्यादा बन रही है और विकास बहुत है इस क्षेत्र में। बस एक किसान थोड़ा सा परेशान है, गन्ने का भाव नहीं बढ़ा अब भी। 2024 का चुनाव है जिस तरीके से, नहीं तो अभी आगामी जैसे चुनाव का आने वाला है तो गन्ने का थोड़ा भाव बढ़ जाता, किसानों को थोड़ी राहत मिलती इस चीज़ में। अब ये भी आरोप लगता है ना, जो पढ़े लिखे युवा हैं, जो पढ़ लिख गए हैं, उन्हें उनके पास रोजगार नहीं है, नौकरी मांग रहे हैं। अभी नौकरी के लिए भर्ती निकाल रहे हैं, पुलिस की भर्ती है अभी फिलहाल में बता रहे थे। अच्छा, जो जानकारी थी लगभग दिसंबर तक बता रहे थे, दिसंबर में पुलिस को। तो एक तरफ एनडीए है यानी कि उसमें मोदी जी हैं, दूसरी पार्टियां हैं, एक तरफ इंडिया है, यूपी में सपा है, बसपा है, और अगर हम बात करें पश्चिम उत्तर प्रदेश की तो आरएलडी है यहाँ पे, आरएलडी और भी कई पार्टियां हैं। नहीं देखो और कोई पार्टी है, लेकिन मेरे हिसाब से तो दावेदारी जो है पीएम पद के लिए और कोई उम्मीदवार नहीं है किसी पार्टी के पास में पीएम पद के लिए। केवल इंडिया गठबंधन है, उसे कैसे देखते हैं आप? क्या देखते हैं, 70 आदमी इकट्ठे हो जाएंगे फिर क्या है, उनमें आपस में मतभेद रहेगा, अब रहेगा ही रहेगा मतभेद। आपको उसमें कोई चेहरा नहीं नजर आ रहा जो इंडिया गठबंधन? पीएम के सामने नहीं दिखाई दे रहा कोई, मोदी के सामने। तो आप जो वोट डालेंगे वो मोदी जी के चेहरे पर डालेंगे या आप अपने जो मुद्दे हैं उन पर डालेंगे? मोदी का विकास, मोदी का जो काम भी है उस पर मोदी के जो काम के चेहरे पर डालेंगे। हाँ, क्यों आपको पसंद है मोदी जी? मोदी जी का जो है जितना भी आज तक उन्होंने काम करा बहुत ज्यादा सुधार के क्षेत्र पे है। अभी देख लो आप इंडिया की जो है इकोनॉमी क्या है, फिर भी जो सही बता रहे अभी एक्चुअल तो हमें भी पता नहीं। अभी एक आंकड़ा आया है, उसमें ये आया है कि 125 देशों में जो भारत है भुखमरी के मामले में 111वें नंबर पर है। भुखमरी के मामले में? हाँ, हमें तो नहीं लग रहा जी 111वें नंबर पर आंकड़ा आया विश्व का। और जैसे कि आपने मीडिया में देखा है कि भाई जो भारत है वो विश्व की पांचवी अर्थव्यवस्था बन गया है। भाई मीडिया में तो यही दिखावे हैं, हम तो न्यूज पे जो देखा है ना भाई सबसे स्ट्रॉन्ग हवाई बात नहीं बता रहा मैं, तो आपको आंकड़ा बता रहा हूँ। अभी पता नहीं कि किस में बता रहे थे, क्षेत्र में कौन से क्षेत्र में बता रहे थे, दूसरे नंबर पे बता रहे थे इंडिया को। ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से कहाँ से मतलब पता चलता है आपको? व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है, व्हाट्सएप उसी से पता चलता है। वही मतलब आपको ये है कि बस उससे जो व्हाट्सएप आया उसे फॉरवर्ड भी करते हो? नहीं फॉरवर्ड तो नहीं करते, पर लेकिन हाँ गेन कर लेते हैं, देख लेते हैं क्या है क्या नहीं। युवा भी थे और भी जो लोग थे उन्होंने अपनी अपनी राय रखी कि 2024 में क्या बदलाव होने वाला है, वो किसके सपोर्ट में जा रहे हैं, मोदी जी के कार्यकाल से वो कितना संतुष्ट हैं या नहीं संतुष्ट हैं, 2024 में क्या परिवर्तन चाहते हैं। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी, आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके भी बता सकते हैं। धन्यवाद।